तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का ग्रुप वाला पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बन रही है हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जी फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लगा हुआ, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर 4 स्टेप में देखने को मिलेगा। तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा बना। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा ओपन डॉट PLP फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा PLP का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये तो इस पोस्टर को डाउनलोड करके उसके जी फाइल को पासवर्ड डालकर एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा। तो आप डाउनलोड करोगे तो आप सबसे नीचे की तरफ आएगा। तो मैं पिक्सल ऐप में बनाया हूँ, तो चलो पिक्सल ऐप ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप ओपन होने के बाद गाइस, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पोस्टर 3 PLP करके, तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो। और देख सकते हो कि मैंने 3 फ्रेम को ऐड किया हुआ है इसमें, तो आप अपना और अपने दोस्त का फ़ोटो ऐड कर सकते हो। तो चलो भाई, इसमें सबसे पहले यहाँ से इस फ़ोटो को हटाता हूँ, एक दूसरा फ़ोटो इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस फ़ोटो पर टैप करना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जैसे आपको इस वाला ऑप्शन पर आना, इनपुट पर क्लिक करना है। और जैसे इनपुट पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कोई सा भी एक PNG फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपके पास PNG फोटो नहीं है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है PNG फोटो कैसे बनाए, तो उसको जाकर आप देखकर PNG बना लेना है। बनाने के बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉप करना चाहते हो तो कुछ अपने हिसाब से फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हो। और करने के बाद यहाँ पर आपको एक सही का निशान मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना। और फोटो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर एक वाइट सर्किल मिलेगा, तो इसको आपको पकड़ करके इस फ्रेम के हिसाब से इस फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर मेरा फोटो जिस प्रकार से मैंने एडजस्ट कर लिया इसको, तो बारी बारी से इन सभी फ्रेम में फ़ोटो ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में एक डबल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ इस फोटो को राइट लेफ्ट साइड में होल्ड करके रखना, और इस नाम के जस्ट नीचे आप अपना फोटो को कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखना चाहते हो, तो इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है, और यहाँ से आपका कीबोर्ड आएगा तो आप अपना नाम लिख लेना है। और लिखने के बाद ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप बारी बारी से सभी फ्रेम में फ़ोटो ऐड हो जाने के बाद नाम लिखना है, तो इस नाम पर क्लिक करना है और इस ए वाले ऑप्शन पर आना है और कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपको लाकर कुछ इस प्रकार से कर लेना है। और पोस्टर पूरी तरह से बन जाने के बाद सेव करना है, तो ऊपर की तरफ आपको एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। सेव एज इमेज और एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी, तो उस पर आपको क्लिक करते ही आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस पोस्टर को बॉर्डर लगाने नहीं आता है, तो मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है पोस्टर पर बॉर्डर कैसे लगाए, तो उसको जाकर आप देख कर इस पोस्टर पर बॉर्डर लगा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।